हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी प्लस टू के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इम्यूनिटी हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। इम्यूनिटी का दो पार्ट है। अगर आपने इम्यूनिटी नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पे भी लिंक आपको मिलेगा, या तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाकर के और एक एक वीडियो आप हमारा देख सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइएगा तो आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे। जैसे एक लिंक हमारा टेलीग्राम पे मिलेगा तो आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। एक लिंक जो है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं अगर आप क्लास इलेवेंथ में बायो आपने रखा है और या ट्वेल्थ में आपने बायो रखा है तो आप उससे जुड़ सकते हैं। और आप हमारे चैनल के साथ अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों से शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है एड्स। जो हमने बोला था कि इम्यूनिटी के बाद हम लोग कुछ डिजीज पढ़ेंगे, तो आज हम लोग एड्स पढ़ रहे हैं। एड्स एक वायरल डिजीज है और एड्स के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। एड्स क्या है, एड्स कैसे फैलता है, एड्स का अगर किसी इंसान को एड्स होगा तो क्या क्या लक्षण दिखेंगे, एड्स के लिए कौन सा जांच है, एड्स से बचने के क्या क्या उपाय हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग एड्स के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं जो जो चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम एड्स की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा डेफिनेशन वाला पॉइंट आता है, या तो सबसे पहली चीज जो आती है, तो एड्स जो है वो आप एक कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स डिजीज है जो कि एक मल्टीपल सिस्टम, आपके बॉडी के मल्टीपल सिस्टम को बेसिकली इम्यून सिस्टम वगैरह को इफेक्ट करता है। और ये एक वायरल डिजीज है और एड्स जो वायरस से होता है, वो वायरस जो है वो रेट्रो फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि रेट्रो वायरल होता है, रेट्रो वायरस से एड्स होता है। आफ्टर डेट हम लोग फिर डिस्कस करेंगे एड्स के बारे में, कुछ और भी पॉइंट्स हम आपको बताएंगे। आफ्टर डेट हम बात करेंगे कि कैसे होता है एड्स। तो एक वायरस का नाम है HIV, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जो HIV वायरस है, इस वायरस के कारण एड्स होता है, यानी HIV वायरस एड्स डेवलप करता है। एड्स क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ एड्स यहाँ पे लिख दिया है हमने, डेट इज द एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम कहने का मतलब ये हुआ कि इम्यून सिस्टम को क्या कर रहा है, डेफिशियंट कर रहा है। और द वर्ड सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ डिजीज, यानी अगर कोई पर्सन एड्स से सफर कर रहा है, किसी व्यक्ति को एड्स है, तो सिंड्रोम बहुत से प्रकार का उसमें लक्षण देखने को मिलेगा। इसीलिए हमने वर्ड यूज किया है कि मल्टी जो सिस्टम है वो मल्टी सिस्टम को इफेक्ट करता है, तो इसीलिए सिंड्रोम का वर्ड यूज करते हैं। सिंड्रोम का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ डिजीज, यानी कुछ ढेर सारा बीमारी उसको होगा क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। आफ्टर डेट हम लोग फिर डिस्कस करेंगे कि क्या इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी ये फैलता कैसे है। तो द फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन 75% केसेस में बाय द सेक्सुअली कॉन्टेक्ट से, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता है। आइदर मेल और फीमेल अगर अफेक्टेड है उसको एड्स है, और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हुआ है तो एड्स एक व्यक्ति से, यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकता है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी मोड ऑफ इन्फेक्शन में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसको अगर एड्स हुआ है, उसके ब्लड को अगर किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाए, चढ़ाया जाए एक हेल्दी पर्सन को, तो भी उस व्यक्ति में एड्स हो सकता है जिस व्यक्ति में एड्स नहीं था, क्योंकि ब्लड देने वाला व्यक्ति एड्स से ग्रसित था। आफ्टर डेट हम लोग इंजेक्टेड, अगर मान लीजिए कोई भी नीडल सिरिंज वगैरह से भी एड्स हो सकता है। एंड द फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो जो माँ है, माँ अगर एड्स से ग्रसित है और जो होने वाला बच्चा है उसमें भी एड्स देखने को मिल सकता है। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में हमने डिस्कस किया है, लिखा हुआ है, हम एक बार बता देंगे। उसके बाद हम लोग पैथोजेनेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। ये यहाँ पे एक आपको पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट देखने को मिला होगा इस डिजीज में, डेट इज द पैथोजेनेसिस। अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो कैसे डिजीज फैलता है,
यानी कि आपके बॉडी में कैसे ये डिजीज क्रिएट होता है, क्या क्या होता है उसके अंतर्गत, तो हम लोग बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी रूट के माध्यम से अगर एचआईवी वायरस आपके बॉडी के अंदर इंटर किया, चाहे वो किसी भी रास्ते से हो, तो वो इंटर करने के बाद कुछ चीजें बना लेता है। जैसे पैथोजेनेसिस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आप देख सकते हैं कि एचआईवी इंटर करता है आपके बॉडी के अंदर किसी भी रूट से, और रूट से इंटर करने के बाद ये क्या कर लेता है कि ये कंटिन्यूअसली बनाने लगता है ट्रोपिन, और ये एक्ट सीडी जो सेल होता है CD4 सेल पे एक्ट करता है, और ये फिर दोबारा एक्ट करते करते क्या कर देता है, दो टाइप के, एक एक्टिवेट और एक नॉन इनएक्टिवेट सेल बना देते हैं, और ऐसे कर करके आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। तो इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टोम्स, यानी इसमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं। आफ्टर दैट हम लोग इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे, यानी इसके जांच क्या क्या है। उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कि क्या ट्रीटमेंट है। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो एजेडटी यानी एजिडोथाइमिडिन इसका ट्रीटमेंट है। फिर हम प्रिवेंशन की बात करेंगे कि कैसे हम एड्स से बचाव करें, तो एक एक कर करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स से रिलेटेड। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे जब हम इसे रब करेंगे, और आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि अगर हम इंट्रोडक्शन और डिफिनेशन की बात करें सबसे पहले, तो ये एक इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या है बाबू, डिजीज है जो कि क्या करता है, जिसके अंतर्गत जो इम्यूनिटी आपके किसी भी व्यक्ति का जो इम्यूनिटी है वो डिफेक्ट हो जाता है, यानी कि इफेक्ट हो जाता है, जो कि क्या कर देता है, इंक्रीज द चांस ऑफ इन्फेक्शन। यानी कि जब आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम मतलब इम्यून डिफेक्टेड हो जाएगा तो क्या कर देगा कि इन्फेक्शन के चांस को बढ़ा देगा, दैट इज एड्स कहलाएगा। तो ये जो डिजीज है लिखा है कि इट इज ये मतलब कि ये एक ऐसा डिजीज है जो कि वायरल से होता है, वायरल इसका ओरिजिन है, और आप इसमें ये कह सकते हैं कि ये जो डिजीज है ये इसे आप सिंड्रोम के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल जो सिस्टम है वो इससे इफेक्ट होते हैं, इसीलिए आप इसे सिंड्रोम के नाम से भी जान सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अफ्टर दैट कॉजेस की बात करेंगे तो इट इज कॉज बाय द एचआईवी वायरस, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो वायरस है वो रेट्रो फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि सिमिलर किसके तरह दिखता है, टी सेल दिखता है ल्यूकोसाइट्स का और लिम्फोसाइट्स वायरस का, ठीक है, लिम्फो जो लिम्फो वायरस है, ठीक है, लिम्फोनस वायरस है, लिम्फोमा जो वायरस है उसके टी सेल की तरह दिखता है। अब मोड ऑफ इन्फेक्शन के बारे में हमने आपको बताया, पहला मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, वेरियस प्रकार से फैलेंगे, तो पहला मोड ऑफ इन्फेक्शन वही कि जैसे मान लीजिए अनप्रोटेक्टेड है, या तो बाय द सेक्सुअली कॉन्टेक्ट, जो कि 75% ऐसा केसेस इसी के द्वारा देखने को मिलता है, और नेक्स्ट 25% ऑफ केसेस में बहुत सी चीजें आते हैं, जैसे पर्सन जो हमने ब्लड रिसीविंग के बारे में बताया था ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, एंड आफ्टर दैट यही कह रहा है कि जो माता है, माता से जो बच्चे में भी आ सकता है, किसके, प्लेसेंटा के द्वारा ये एचआईवी वायरस। आफ्टर दैट पैथोजेनेसिस की बात कर लेते हैं कि पैथोजेनेसिस में हमने आपको बताया कि एचआईवी इंटर करेगा बॉडी के अंदर, इंटर करने के बाद ये कंटिन्यूटली ट्रोपिन बनाने लगता है, फिर ये CD4 सेल पे एक्ट कर जाता है, और CD4 सेल पे एक्ट करने के बाद ये फिर एक बार और बनाने लगता है और अपना आरएनए तैयार कर लेता है, जो कि आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, और आरएनए तैयार करने के बाद फिर ये क्या कर लेता है कि धीरे धीरे करके दो टाइप ऑफ ये सेल बना देते हैं, एक एक्टिवेट और एक इनएक्टिवेट सेल, और यही सेल से फिर ये इफेक्ट डाल देते हैं दोनों प्रकार के, चाहे एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन आप बोल सकते हैं। आफ्टर दैट हम लोग अब इसे रब कर लेंगे और फिर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे, जैसे हमने आपको बताया था
साइन के बारे में, सिम्टोम्स के बारे में, आफ्टर दैट हम लोग इन्वेस्टिगेशन यानी टेस्ट के बारे में बात करेंगे, फिर ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, और आफ्टर दैट लास्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो प्रिवेंशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, हम लास्ट में जाने से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो और अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो आप हमसे नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट कीजिए और अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर भेजेंगे तो हम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगर साइन सिम्टम्स की बात करें तो इसमें मेजर साइन और माइनर साइन दिखते हैं। अब मेजर साइन में क्या दिखेगा और माइनर साइन में क्या दिखेगा वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम मेजर साइन की बात करें तो मेजर साइन में जैसे पहला जो लक्षण देखने को मिलेगा, पहला जो उसको उसका साइन देखने को मिलेगा वो उसके वजन में 10% की कमी आ जाएगी, यानी उसका वजन घटेगा 10% वजन उसका क्या हो जाएगा, कोई भी पर्सन का जो है वो वेट लॉस हो जाएगा मोर देन कितना 10% ऑफ बॉडी वेट, बॉडी वेट का 10%। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा अगर उसको डायरिया हो सकता है, क्रोनिक डायरिया हो सकता है, जो कि एक क्रोनिक डायरिया जो है वो एक मंथ से ज्यादा ड्यूरेशन तक ले सकता है टाइम। और आफ्टर डेट हम बात करें तो फीवर हो सकता है, वो अल्टरनेटिवली भी हो सकता है, कंटिन्यूअसली हो सकता है, एक मंथ से ज्यादा उसमें फीवर देखने को मिलेगा। यानी मोस्टली हम बात करें तो दो से तीन चीज मेन इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर होने लगता है। तो पहला उसके बॉडी का वजन घटने लगेगा यानी वेट लॉस होगा, वेट लॉस ऑफ द बॉडी, और वेट लॉस कितना परसेंट होगा तो 10% से ज्यादा वेट लॉस होगा पर्सन का। वैसा पर्सन जिस पर्सन में वो इनक्यूबेट करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिखवाया था पैथोलॉजी, आप पैथोजेनेसिस में देखेंगे तो जब उनका लेटेंट पीरियड में जब वो चले जाते हैं यानी इनक्यूबेशन पीरियड जब आ जाता है वायरस का, तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये सारे सिम्टोम्स दिखेंगे, ये सारे लक्षण दिखेंगे, ये सारे साइन सिम्टोम्स दिखेंगे, जिसमें पहला मेजर क्या दिखेगा, मेजर साइन दिखेगा कि उसके बॉडी का वजन कम होने लगेगा 10% यानी 10% से ज्यादा, मोर देन 10%। आफ्टर डेट उसमें क्रोनिक डायरिया देखने को मिल सकता है, एक मंथ से ज्यादा से उसको डायरिया से परेशान रहेगा वो पर्सन। देन उसमें फीवर जो है वो आते रहेगा, वो फीवर कभी कम हो जाएगा, कभी तेज आ जाएगा, तो वो भी वन मंथ से ज्यादा से पहले से मतलब देखने को मिलेगा, यानी एक मंथ आप लेकर के चलेंगे इस चीज में। अगर हम माइनर साइन की बात करें तो माइनर साइन में क्या दिखेंगे, कफ दिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ कफ, जो कि आप कह सकते हैं कि ये भी एक मंथ से ज्यादा देखने को मिल सकता है, ठीक है। और रिकरेंट्री इसमें क्या दिखने को मिलेगा, रिकरेंट्री में जैसे मान लीजिए कि आपको जो पेरियोनल जो कंडीशंस हैं उनमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और आफ्टर डेट आपको क्या देखने को मिलेगा, भूख की कमी भी आपको देखने को मिल सकता है, एपेटाइट वगैरह की कमी देखने को मिल सकता है, और भी बहुत सी चीज आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हेडेक हो जाएगा पेशेंट को, पर्सन को वेट लॉस होने लगेगा, और उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी होने लगेगी, किसी और डिजीज अगर होगा तो उस डिजीज से लड़ नहीं पाएगा क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब हम लोग इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेशन यानी टेस्ट, क्या क्या टेस्ट करवाएंगे। तो अगर हम टेस्ट की बात करें तो पहला एलिजा टेस्ट होता है, मुख्य और इम्पोर्टेंट जो लेबोरेटरी टेस्ट होता है वो एलिजा टेस्ट होता है। इस एलिजा टेस्ट में क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म की बात करें तो एंजाइम, अगर बात करते हैं एलिजा टेस्ट की तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे, ये इसका मतलब होता है कि ये क्या होता है कि एंजाइम को बताता है कि उसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो एंजाइम कैसे बॉडी के अंदर एंटर किया और उसको आइडेंटिफाई करता है वो सॉर्वेंट एसे की, तो एलिजा टेस्ट होता है। एक वेस्टर्न ब्लड टेस्ट होता है, वेस्टर्न ब्लड, और एक CD4 सेल जो हमने आपको बताया था उसको काउंट करने के लिए भी, CD4 टेस्ट काउंट करने के लिए यूज होता है। तो तीन टेस्ट हमने आपको लिखवाया है, लेकिन आप एक टेस्ट जरूर याद रखेंगे, दैट इज द एलिजा टेस्ट,
ELISA एलिजा टेस्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है एक नंबर में, कि विच टेस्ट इज डन टू कंफर्म द HIV एड्स, एड्स को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है, तो दैट इज एलिजा टेस्ट। गेटिंग माय पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट की फिर हम लोग बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट में एंटीवायरल ड्रग्स दिया जाता है, ड्रग्स में एजेड टी ट्रीटमेंट होता है, यानी एजिडोथाइमिडिन ट्रीटमेंट आप इसको कह सकते हैं, मैंने यहां पे लिख दिया है। आफ्टर डेट हम लोग प्रिवेंशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपको पता होना चाहिए। तो प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो प्रिवेंशन में पहला प्रिवेंशन क्या है, सबसे मेजर अगर हम मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात कर रहे थे तो 75% सेक्सुअली कॉन्टेक्ट से हो रहा था, तो एवॉइड करेंगे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट को, मतलब रोकेंगे। जो सेकेंड नंबर पे हम लोग अपनाएंगे और डू नॉट ट्रांसफ्यूज द इन्फेक्टेड ब्लड, यानी जो पर्सन इन्फेक्टेड है उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे हेल्दी पर्सन को, अगर वो करने से बचेंगे तो एड्स नहीं होगा। थर्ड नंबर की बात करें तो वही कह रहा है तीसरे नंबर पर कि अगर कोई भी एक नीडल या सिरिंज वगैरह यूज किया गया है किसी एक व्यक्ति को, तो वो दूसरे व्यक्ति को यूज नहीं करना है, चाहे आपको पता हो या नहीं पता हो, एक व्यक्ति के लिए एक ही बार आप उसका यूज करें, तो दैट इज द थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट वही कह रहा है कि अगर कोई भी मदर है, अगर पता चल गया है कि सी इज सफरिंग फ्रॉम HIV एड्स, तो उनको क्या करना चाहिए कि बेबी को कंसीव करने से बचना चाहिए, बेबी को कंसीव करना रोकना चाहिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि एक शॉर्ट नोट्स में आपका आ सकता है एग्जाम में एड्स के बारे में। तो एड्स के बारे में मुख्य बातें आपको याद रखना है कि एड्स है क्या, तो वायरल डिजीज है। किस टाइप का वायरस, तो रेट्रो फैमिली से बिलोंग करता है एक वायरस। इसमें होता क्या है, तो आपके बॉडी के कॉम्प्लेक्स मल्टीपल सिस्टम को इफेक्ट कर देता है। आफ्टर डेट ये जो वायरस है ये सिंड्रोम शो करता है। दूसरी बातें आपको याद रखना है, ये होता कॉजेज ऑफ एड्स यानी एड्स का कारण, तो HIV वायरस है, HIV का फुल फॉर्म हमने लिखवाया था, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम लिखवाया है हमने अपने इस क्लास में। आफ्टर डेट फिर आपको याद रखना है कि इसका पैथोजेनेसिस क्या है, यानी कैसे यह फैलता है, तो इंटर करेगा किसी रूट के माध्यम से, फिर आपके इम्यून सिस्टम पे जाएगा, CD4 पे सेल पे इफेक्ट करेगा, दो टाइप के एक्टिवेट और इनएक्टिवेट सेल बनाएगा, तो ऐसे आपको याद रखना है। फिर साइन सिम्टम्स आपको याद रखने हैं, मेजर साइन मेजर सिम्टम्स क्या है, मोड ऑफ इन्फेक्शन हमने बता दिया है आप उसको याद रखेंगे, तो वेट लॉस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, फीवर हो सकता है पेशेंट को, तो ये सारे चीज देखने को मिल सकता है, कफ देखने को मिल सकता है। तो आफ्टर डेट फिर आपको याद रखना है बहुत सिंपल सा चीज, टेस्ट एलिजा टेस्ट, ELISA एलिजा टेस्ट को आप कभी ना भूलें, एलिजा टेस्ट आपको याद रखना ही है। अगर एलिजा टेस्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद हम बात करें तो ट्रीटमेंट आप याद रखेंगे, जिसमें एंटीवायरल ड्रग्स और AZT आप याद रखेंगे, यानी एजिडोथाइमिडिन। नेक्स्ट प्रिवेंशन यानी जो मोड ऑफ इन्फेक्शन होगा उससे बचने का उपाय वही बताएगा, यानी एवॉइड करेंगे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट को, इन्फेक्टेड सिरिंज नहीं लगाएंगे दूसरे व्यक्ति को जब इंजेक्शन दे रहे होंगे, तो इन्फेक्टेड ब्लड नहीं चढ़ाएंगे, और मां को रोकेंगे जो इन्फेक्टेड है, जो जिससे ये वायरस जकड़ रखा है जिस मां को। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्लास था HIV एड्स के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट डिजीज के साथ। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।